फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले स्टेंड्रोसेट, हो सकता है काफी लोगों ने नाम नहीं सुना हो या उनके लिए कुछ नया टॉपिक्स हो, ठीक है। तो स्टेंड्रोसेट अगर एक्चुअल में देखें तो थोड़ा डिटेल में चीजें ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कम पूछता है, रेयर पूछा जाता है। तो इस चीज को भी जब हम लोग इतना पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक को भी क्यों छोड़ना। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो कई मतलब बहुत कम बार एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, तो पैरेलली हम लोग देखते हैं तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग कवर कर लेते हैं, क्योंकि हमको जो तैयारी करनी है तो हमको एक साइड से पूरा क्या है कंटिन्यूअसली तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए जो मैं बात करने वाला हूँ स्टेंड्रोसेट को लेकर, स्टेंड्रोसेट होता क्या है। सबसे पहला चीज इसको हम लोग समझते हैं और बात करते हैं स्टेंड्रोसेट क्या है। इट इज द सेट ऑफ स्ट्रेन गेज, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज द सेट ऑफ स्ट्रेन गेज। अब ये देखो जो स्ट्रेन गेज होता है ये क्या होता है, आपके पास जो आपके पास स्ट्रेन गेज होता है, स्ट्रेन गेज व्हाट इज स्ट्रेन गेज, इट इज द मेजरिंग जो आपका स्ट्रेन क्या होता है, बॉडी के अंदर जो डिफॉर्मेशन होता है तो उस डिफॉर्मेशन को जो मेजरिंग करने का डिवाइस होता है, ये जो हमने स्ट्रेन गेज लिखा है ये क्या आपका स्ट्रेन मेजरिंग डिवाइस, स्ट्रेन मेजरिंग डिवाइस, ठीक है, स्ट्रेन मेजरिंग इक्विपमेंट या हम लोग बोल सकते हैं डिवाइस, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेन मेजरिंग डिवाइस है इसको हम लोग अलग अलग फॉर्म से क्या इसको सेट कर सकते हैं, और इसको जो सेट करने का जो अरेंजमेंट करने का तरीका है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रेन रोसेट, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं सेट ऑफ स्ट्रेन गेज, या और बोला जा सकता है क्या, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेन गेज, ठीक है। इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेन गेज, अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेन गेज, ठीक है। अब यहां पर ये जो हमारे पास है कितने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, बेसिकली क्या यूज किया जाता है, नो डाउट कोई भी बॉडी जब उसमें फोर्स लगता है तो उसमें डिफॉर्मेशन आता है, और अब तो हम लोग ये भी समझ चुके हैं कि बॉडी के अंदर कभी बेंडिंग के साथ डिफॉर्मेशन आ रहा है, कभी एक्सियल लोड, कभी शेयर स्ट्रेस, अलग अलग तरीके का डिफॉर्मेशन आ रहा है। तो इस डिफॉर्मेशन में जो भी चीजें हम लोग मेजर करते हैं तो वहां पर हम लोग एक स्ट्रेन नहीं, इसमें क्या सेट ऑफ स्ट्रेन गेज होते हैं, मतलब दो चार पांच जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है, तीन होते हैं चार होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ तीन आपके स्ट्रेन गेज हो गए, और उनको किस किस तरीके से हम लोग सेट करके अलग अलग तरीके का डिवाइस क्रिएट स्ट्रेन गेज हम लोग स्ट्रेन रोसेट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये जो आपका स्ट्रेन रोसेट है ये हम लोग तीन तरीके से यहाँ पर करते हैं कवर, ठीक है। और ये चीज आपसे एग्जाम से पूछा जाता है, फर्स्ट जो आपके पास है डेट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर स्ट्रेन गेज, जो हमारे पास फर्स्ट पैरामीटर है डेट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर स्ट्रेन रोसेट, ठीक है, रेक्टेंगुलर। दूसरा हमारे पास है डेट इज कॉल्ड डेल्टा, ठीक है, दूसरा हमारे पास है डेट इज द डेल्टा स्ट्रेन रोसेट, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो थर्ड है हमारे पास डेट इज द स्टार, थर्ड जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है स्टार स्ट्रेन रोसेट, स्टार स्ट्रेन रोसेट, ठीक है। तो ये जो आपको चीज मिल रहा है इस चीज पे हमको देखना है कि किस किस तरीके से हम लोग स्ट्रेन गेज को बात कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बेसिकली जो स्ट्रेन गेज अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेन गेज है तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं क्या, देयर आर थ्री स्ट्रेन गेज, ठीक है, और थ्री स्ट्रेन गेज को हम लोग क्या है इस तरीके से एडजस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए रेक्टेंगुलर स्ट्रेन को लेकर बात करते हैं तो क्या होगा, इसमें आपके देखिए तीन तरीके से स्ट्रेन आपको दिखेंगे। ये जो आपका स्ट्रेन है इसमें आपको जो स्ट्रेन है वो कुछ इस तरीके से तीन तरीके से दिखेगा। एक आपका जो स्ट्रेन होगा ये तीनों एक्सिस पे आपका रहेगा, तो एक आपका ये स्ट्रेन है, दूसरा आपके पास जो है ये हमारे पास दूसरा स्ट्रेन है, ये हमारे पास तीसरा स्ट्रेन है। इसको हम लोग मान लीजिए स्ट्रेन ऑफ ए ले लेते हैं, इसको हम लोग स्ट्रेन ऑफ बी ले लेते हैं, इसको हम लोग स्ट्रेन ऑफ सी ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो आपका एंगल है ना, ये एंगल हमारे पास कितना मिलता है 45 डिग्री। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये आपको मिल रहा है 0 डिग्री पे, ये आपको जो स्ट्रेन मिला है ये आपको 45 डिग्री पे, और ये आपको जो मिला है ये 90 डिग्री पे मिला है। मतलब ये स्ट्रेन का अरेंजमेंट है। तो रेक्टेंगुलर स्ट्रेन गेज पे अगर हम लोग बात करें
तो ये जो आपका एप्सिलॉन मतलब एक आपका जो स्ट्रेन आपका एडजस्ट किया गया वो 0 डिग्री पे किया गया है, दूसरा जो आपका स्ट्रेन एडजस्ट किया गया है वो आपको कितना 45 डिग्री पे किया गया है, और जो थर्ड वाला जो आपको स्ट्रेन एडजस्ट किया गया है वो आपको 90 डिग्री पे किया गया है, ठीक है। तो ये आपसे जो एग्जाम्स में पूछा जाता है ना, ये आपको एंगल पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, आपसे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में आपसे ये एंगल पूछा जाता है, दिस इज द इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये आपका किसके लिए था, रेक्टेंगुलर स्ट्रेन गेज के लिए। बात करते हैं हम लोग डेल्टा है और जैसा हमारा स्टार है, डेल्टा के साथ अगर आप बात करोगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा के साथ अगर आप देखिए तो ये आपका क्या है, जस्ट एक ट्रायंगुलर फॉर्म में रहता है, ये हमारे पास जो है तो ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर फॉर्म में रहता है। यहां पे अगर आप बात करोगे तो स्ट्रेन जो आपको दिखेगा, ये आपको दिखेगा कि स्ट्रेन ऑफ ए आपको ये दिख रहा है, यहां पे आप बात कर सकते हो, देखो ये जो आपको एडजस्ट किया गया है ये स्ट्रेन ऑफ हम लोग बी ले सकते हैं, और ये जो हमको लिया गया है ये स्ट्रेन ऑफ सी लिया गया है, ठीक है। तो यहां पर अगर देखिए मैं एंगल को लेकर बात करूं तो नो डाउट एक तो आपका ये, तो ये आपको स्ट्रेन ऑफ ए क्या 0 पे मिल रहा है। एंगल्स पे लेके बात करें तो देखो कितना कितना एंगल है, डेफिनेटली ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगुलर है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगुलर में आपको क्या दिखेगा, एप्सिलॉन ऑफ ए और एप्सिलॉन ऑफ बी आपको दिखा है, तो ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है ये एंगल आपको कितना दिखेगा, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। और ये अगर आपका मेजरमेंट अगर आप देखो एंटी क्लॉक में घूम रहे हो तो डेफिनेटली इसके लिए भी आपको एंटी क्लॉक में घूमना पड़ेगा, तो ये जो यहाँ पर एंगल आपको दिखेगा ये कितना दिखेगा 120, डेफिनेटली 60 60 60 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर है, तो ट्रायंगुलर है तो ये आपका क्या हो गया 60, तो 120। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो हमारा स्ट्रेन का अरेंजमेंट हमारे साथ किया गया है वो आपको एप्सिलॉन ऑफ ए की अगर मैं बात करूं तो एप्सिलॉन ऑफ ए कितना दिखेगा आपको 0 डिग्री, यहाँ पर एप्सिलॉन ऑफ बी की बात करेंगे तो ये हमको कितना दिखेगा, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, और एप्सिलॉन ऑफ जो सी की वैल्यू मिलेगा ये आपको कितना मिलेगा, विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। कहानी कुछ समझ में आ रहा है, चीजों को ध्यान रखिएगा। ये सब जो आपका डेल्टा स्ट्रेन रोसेट की बात कर रहे हैं तो इसमें आपका जो हमारा स्ट्रेन गेज जो हमारे पास अलग अलग अरेंजमेंट है, ये हमारे पास अरेंजमेंट करने का तरीका है। स्टार स्ट्रेन रोसेट की बात करें तो स्टार में आपको क्या मिलता है, बिल्कुल आपको स्टार शेप का मिलेगा, ये आपको इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे पास स्टार है। स्टार शेप में अगर हम लोग बात करेंगे तो अगेन हम लोग देखेंगे तो ए बी सी के साथ क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा स्ट्रेन रोसेट ए के लिए आपको मिलेगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास स्ट्रेन रोसेट हमारे पास बी के लिए मिलेगा, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास स्ट्रेन रोसेट सी के लिए मिलेगा। एंगल आप देखना चाहते हो तो एक तो आपका ये 0 डिग्री रिफरेंस हो गया, तो यहाँ पर ये आपको 0 डिग्री दिख गया। दूसरा अगर हम लोग एंगल को लेकर बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो आपको एंगल दिख रहा है दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री, और थर्ड वाला जो आपको एंगल दिख रहा है वो क्या है, ये आपको पूरा का पूरा यहाँ दिखेगा, तो ये आपको कितना दिखेगा 240 डिग्री। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं एंगल को लेकर बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो स्ट्रेन जो आपको मिलेगा ये आपको मिलेगा क्या, एप्सिलॉन ऑफ ए जो आपका कितना है 0 डिग्री पे है, एप्सिलॉन ऑफ बी ये आपको कितना मिला हुआ है 120 डिग्री पे मिला हुआ है, एप्सिलॉन ऑफ सी ये आपको कितना मिला हुआ है 240 डिग्री पे। तो आपसे बेसिकली क्या है ना फ्रेंड्स, एंगल पूछा जाता है कि स्टार स्ट्रेन रोसेट है तो उसमें जो हमारा स्ट्रेन गेज को एडजस्ट किया जाता है उसका एंगुलर पोजीशन कितना रहता है, और देखो तीनों में अगर आप देखोगे तो तीनों का आपका एंगुलर पोजीशन अलग अलग है। रेक्टेंगुलर में 0, 45 और 90 की तरफ है, डेल्टा की तरफ जाओगे तो 0, 60 और 180 है, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और उसी तरीके से अगर मैं बात करूं स्टार स्ट्रेन रोसेट की तो 0, 120 और 240 है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछा जाता है आपसे एग्जाम्स में। तो स्ट्रेन रोसेट, हाँ एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में और भी पूछा हुआ है कि स्ट्रेन रोसेट किसको बोला जाता है, डेफिनेटली सेट ऑफ स्ट्रेन गेज है। स्ट्रेन गेज क्या होता है, जो आप स्ट्रेन मेजरिंग डिवाइस है जिसको हम लोग स्ट्रेन गेज बोलते हैं, तो मेरे पास मान लो कि ये स्ट्रेन गेज है एक, मान लो जो आपका स्ट्रेन मेजरिंग करता है, इसी तरीके से मेरे पास नंबर ऑफ स्ट्रेन गेज होंगे, तो इसको मैं जो अलग अलग एडजस्ट करके जो स्ट्रेन मेजरिंग का तरीका जो बताऊंगा तो उसको हम लोग अलग अलग तरीके से यहाँ क्लासीफाई किए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग बात है कि ऐसा करके इसमें किया क्या जाता है, तो ऐसा करके इसमें आप नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हो। अब नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इस सिनेरियो में अगर मैं नॉर्मल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन की बात करूं तो उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास जो फॉर्मूला एप्सिलॉन ऑफ एन,
ठीक है, नॉर्मल याद है हमने इसको याद कहां से रखा था, सिग्मा ऑफ एन से क्या रखा हुआ था, देखो एप्सिलॉन ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन ऑफ वाई बाई टू ये था, प्लस हमारे पास क्या था एप्सिलॉन ऑफ एक्स माइनस एप्सिलॉन ऑफ वाई, और यहां पर आपको क्या मिला हुआ था, दिस इज इक्वल टू कॉस टू थीटा प्लस आपको क्या मिला हुआ था टाउ एक्स वाई, और यहां पे आप बात करोगे तो ये आपको क्या मिला हुआ था साइन टू थीटा, यही तो मिला था। अच्छा ये ध्यान रखना, यहाँ पे टाउ एक्स वाई की जगह हमने क्या रखा हुआ था, यहाँ पर हमने रखा था गामा एक्स वाई बाई टू। तो अगर आपको नॉर्मल स्ट्रेन निकालना है तो आप अलग अलग रेफरेंस के अकॉर्डिंग लोगे ना, मान लो आप ए के लिए निकालोगे तो ए के लिए निकालोगे तो ये तो कॉस जीरो हो जाएगा, ये भी साइन जीरो हो जाएगा, फिर आप सॉल्व करोगे। उसी तरीके से आप बी के लिए जब निकालोगे तो 45 रखोगे तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ 45 रखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक है। सी पर जब आओगे तब यहाँ पर आपको मिलेगा क्या 90 रखोगे तो यहाँ पर आप 90 रखोगे तो अगेन यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेन मिलेगा। मतलब आपका क्या है, हर स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग आपको नॉर्मल स्ट्रेन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या एंगल को पुटअप करना है, जैसे जैसे आप एंगल को पुटअप करोगे आपको नॉर्मल स्ट्रेन मिल जाएगा, और ठीक उसी तरीके से आपको अगर याद हो तो गामा आपको शियर स्ट्रेन भी मिल जाएगा, गामा ऑफ एस। तो याद है हमने गामा एस को क्या डिवाइड बाई टू किया था, तो फाइनल में फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्या मिला हुआ था माइनस ऑफ आपको मिला था एप्सिलॉन ऑफ एक्स माइनस एप्सिलॉन ऑफ वाई, ये आपको मिला था साइन ऑफ टू थीटा प्लस आपको क्या मिला हुआ था यहाँ पर, ये आपको मिला था गामा एक्स वाई कॉस ऑफ टू थीटा, ये आपको फॉर्मूला मिला हुआ था। देखिएगा मैंने आपको ये पूरा चीज बताया हुआ है। तो यहाँ पर भी अगर आप शियर स्ट्रेन भी कैलकुलेट करना चाहते हो तो इस एंगल से रख के हम लोग शियर स्ट्रेन को कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली यूज किया जाता है नॉर्मल स्ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए। तो ये चीजें आपको क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बेसिकली मैंने बात किया है स्ट्रेन रोसेट को लेकर, बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश किया हूँ, और डेफिनेटली इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। एग्जाम्स में इसमें क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन पूछा जाता है। तो देखिए ये सब क्वेश्चंस अभी कभी आपसे एग्जाम्स में अगर पूछ दे तो डेफिनेटली ये सब चीजें आपके लिए बोनस मार्किंग है। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें हर कोई पढ़ के नहीं जाता, ये फैक्ट है फ्रेंड्स, ये चीजें हर कोई पढ़ के नहीं जाता है, और इसलिए मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया। जो एग्जाम्स में पूछा जाता है या जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बाहर निकल के आ सकते हैं उन सब चीजों को मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस किया हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप डेफिनेटली ये वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पर फाइनली अगर मैं बात करूँ तो ये जो चैप्टर है हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन, इसकी कहानी होती है समाप्त यहाँ पर, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।